प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रैली। देहरादून में प्रधानमंत्री ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में एपी और एफएएम नाम पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सहारनपुर रैली में एसपी बीएसपी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो कोई नहीं भूल सकता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा। मणिपुर के थोबुल में कहा, 2022 तक पूर्वोत्तर भारत सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश और असम में भी की रैली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की महाराष्ट्र में कई जगहों पर जनसभा। समाजवादी पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। अखिलेश यादव ने कहा, माफ होना चाहिए किसानों का पूरा कर्जा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी जारी किया मैनिफेस्टो। कहा, सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में होगा आरक्षण। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में किया रोड शो। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अरुण जेटली ने कहा, आरजीएपी और आरएएफ के बारे में बताए कांग्रेस, खामोशी का मतलब नहीं है कोई जवाब। कांग्रेस ने आरोपों को का बताया चुनावी हथकंडा। आतंक और अलगाववाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बीते 10 महीने के राज्यपाल शासन के दौरान 919 अलगाववादियों और दूसरे लोगों की सुरक्षा वापस। पहले भी कई अलगाववादी संगठनों को किया जा चुका है बैन।